आप बताइए आपने क्या वहां पर बताया। हमने उनको कहा कि इब्तदा से जो बात हम कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसका, उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है, तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि रियासत के लोग दोबारा जो है धोखा ना खाएं। मुख्तसरन क्या टाइप पाया गया? मुख्तसरन क्या पाया गया? साहब की थी, हमने इनसे वो भी पूछा कि ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, अभी कमीशन पूरा आए नहीं क्योंकि स्ट्रिक्ट नंबर्स भी नहीं है। हमारा यही था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कायदे से, लेकिन अगर ये क्योंकि फांसी जुडिशियल अथॉरिटी है, अगर ये तब भी आगे चलना चाहेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, कम अज कम इसको शफाफत से करें और ट्रांसपेरेंट मैनर में करें, क्योंकि वहाँ यहाँ वैसे भी जो है इंस्टीट्यूशन से और दिल्ली के इंस्टीट्यूशन से खासकर पूरा एतबार अब तक बहाल नहीं रहा है। आपने सही फरमाया, क्योंकि हमने जीएमएफ से भी बात की है, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 2024 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहता तो कोई डेलिमिटेशन नहीं होगी, ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाकई है। और आज तो ये यही बात उनसे भी कही, देखिए अगर आज की एक्सरसाइज ये करते हैं फिर जब 2026 के बाद पूरे मुल्क में एक्सरसाइज होगी इनको दोबारा करनी पड़ेगी, तो बेहतर ये रहता कि ये रुकें, लेकिन इन्होंने अपना मन बनाया, जो आज भी हमको लगा इन्होंने मन बनाया ही आगे जाएंगे। अब हम कोशिश करके यही कहे इनसे, इन पे इसरार किया कि शफाफत से करें ताकि इन इदारों पे जो है एतबार बहाल ने तो अभी ईडी ने उनको समन भेजा उनकी माँ को, वो पीडीपी अपना जवाब खुद देगी उसके में। 5 अगस्त को जो हुआ है उस पर सबों ने इत्तेफाक जताया कि वो कभी भूलेंगे नहीं, कोई वो कैसे होगा वो हमने आपको रिटर्न भी दिया, इस पे सारी डिटेल है। थैंक यू।